तो आज हम आपसे मिल रहे हैं यहाँ दिल्ली में, क्योंकि मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे आई हुई हूँ और मैं आज यही स्टे की हूँ और अपने फ्रेंड के साथ मैं बहुत इंजॉय करने वाली हूँ, क्योंकि बिकॉज हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं, लगभग 4 इयर्स बाद। तो चलिए देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। आज हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो आलू भुजिया, आलू और परवल की सब्जी बना रही है, भुजिया और दाल बनाई हुई है और साथ में राइस का मज़ा लेंगे। तो हम लोग आज खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, हमारे बच्चे भी हैं और आगे की बातें हम लोग अब बाद में करते हैं। बाय। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रेंड्स का घर है और ये बीच का हॉल है, डाइनिंग हॉल, और देखिए इन्होंने कितने अच्छे से सजा के रखा है, वेल मैनेज्ड इन्होंने अपने घर को रखा है। और ये एंट्रेंस है इनका और इधर ये स्टडी रूम है और ये घर छोटा है पर देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये बाहर की बालकनी है और यहाँ ग्रीनरी भी है जो हम आपको बाहर चलकर दिखाएंगे नीचे। और ये नीचे हमारा लॉन है, प्लेग्राउंड जैसा है, बच्चे खेलते हैं और शाम में यहाँ लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। दिस इज़ अ टोटल अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। ये ग्रीनरी अपने घर के पास देखने को बहुत कम मिलता है, तो मेरी फ्रेंड आई थिंक बहुत अच्छी जगह पे घर परचेज किया है इन्होंने और मैं आकर यहाँ बहुत खुश हूँ कि मतलब एक तो है कि यहाँ पे इन्होंने इतनी अच्छी जगह पे घर लिया है जहाँ इतनी बेल मैनेज सब कुछ है, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम लोग इतने दिनों बाद मिल रहे हैं जो बिलीव नहीं किया जा सकता था। तो हम लोग सोच रहे हैं चलो आज इस तरह हम लोग इंजॉय सेलिब्रेट करें और आप लोगों को भी हम लोग अपने साथ में रखे हुए हैं। तो मैं अंदर की तरफ आ रही हूँ और आप भी आइए मेरे साथ, दिखाती हूँ आपको। और ये दरवाज़ा मैं बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं इससे आगे भी आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, तो ये डोर लॉक कर दे रही हूँ। और ये इन्होंने एक छोटा सा पूजा रूम बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ भी देखिए सब कुछ से वेल मैनेज्ड है जैसा कि आम घरों में रहता है, तो बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, ये लिफ्ट है और लिफ्ट से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे और लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन है और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं और मैं नीचे जाकर आपको इस रेसिडेंस की एक्चुअल ग्रीनरी दिखाने वाली हूँ कि ये कैसा है। बहुत ही सुंदर है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है बट वो ग्रीनरी की जो सुंदरता है, घर के आगे हरियाली, वो कुछ अलग ही फील होती है। तो अब हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं और अब मैं सीधा पार्क की तरफ जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है पार्क और इसमें सामने सारी लेडीज लगभग सामने बैठ के टाइम वेस्ट करती है अपना, और इस तरह हम लोग भी यहाँ पे बैठे हुए थे, हमारी फ्रेंड और मैं दोनों बैठे हुए थे यहाँ पे। थोड़ी सी गप्पे सप्पे करने के बाद हम लोग किचन की तरफ बढ़े थे ताकि कुछ खाने का इंतज़ाम हो सके, तो अब वो किचन में लगी हुई हैं और मैं किचन से हट कर आपको ये ग्रीनरी दिखाने के लिए लाई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम ये मैंगो काट रहे हैं और ये मैंगो, इसे मालदा मैंगो बोलते हैं और ये बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो हम लोग आज फुल एंजॉय के मूड में हैं, तो अभी हम लोग मैंगो के साथ एंजॉय कर रहे हैं और इधर आलू और परवल की जो भुजिया थी वो बन रही है, तब तक हम लोग इस
मैंगो का स्वाद लेंगे। और ये देखिए, ये मेरी फ्रेंड आलू और परवल की ये भुजिया बना रही है, साथ में दाल पहले भी हमने आपको बताया हुआ है, और साथ में राइस का मजा लेंगे। तो वन मैंगो मैं और कट करूंगी और हम सारे इकट्ठे बैठकर एंजॉय करेंगे विद फ्रेंड्स। देखिए, अब हम लोग रात की डिनर की तैयारी कर लिए हैं और अब हम लोग रात में डिनर करने जा रहे हैं इकट्ठे। हम लोग सारे इकट्ठे बैठकर खाएंगे, नॉट डाइनिंग टेबल, इन द फ्लोर। और फ्लोर पे बैठकर खाने का जो मजा है वो डाइनिंग टेबल पर नहीं है। तो हम अपने फ्रेंड के साथ आज फ्लोर पे बैठ के डिनर का एंजॉय करेंगे और उसका एक्चुअल लुत्फ़ उठाएंगे। मेरी फ्रेंड ये सैलेड भी बनाई है और ये देसी स्टाइल दाल जो आपको रेस्टोरेंट में होटलों में नहीं अवेलेबल होगा, एंड ये भी देसी स्टाइल है, आलू परवल की भुजिया विथ राइस। टोटल शो और इसके डालने से ये दाल की स्वाद बहुत ही अच्छी हो जाती है, इट मीन्स यमी। चलिए अब हम इसे खाते हैं। अगर आपको भी मेरे साथ एंजॉय करना है तो कम हियर एंड जॉइन माय कंपनी। फ्रेंड बहुत यम्मी है, सो टेस्टी।